द्वितीय पर्याय निर्वाचन आरंभ हो जाए प्रसार प्रसार विभिन्न जगह सभा समिति विभिन्न विशाल जनसभा स्टार प्रचारक मैंने आसिक प्रार्थी भोट मांगुच्च प्रचार करेंगे बर्तमान अच्छु तरैया विधानसभा निर्वाचन मंडल जो द्वितीय पर्याय निर्वाचन हम एठाकर भोटर अच्छा एठाकर स्थानीय बासिंदा अच्छा सीधा सड़क सहित आम आलोचना करवा भैया दूसरे चरण पर यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं इस बार आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे किस मुद्दे को लेकर आप लोग जाएंगे वोट देने के विकास और रोजगार यहाँ पर सबसे पहला प्राथमिकता रोजगार को दिया जाएगा उसके बाद ये जो पानी के विषय में बोल रहे हैं नेपाल से पानी जो छोड़ा जा रहा है उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा काफ़ी चिंतित हैं। चुनाव तो हर बार होते हैं आप लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर जाते हैं तरैया के लिए इस बार खास करके तरैया से जो विभिन्न प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने क्या अहम मुद्दा होगा जिस मुद्दे को लेकर आप वोट देने के लिए जाएंगे? मुद्दा वही है दो तीन मुद्दा है विकास रोजगार और जो नेपाल से पानी आ रहा है बांध उनको रिपेयर करने का यही तीन मुद्दा मेन है क्योंकि बाढ़ से बहुत पीड़ित हुए हैं लोग यहाँ के लोग बहुत पीड़ित हुए हैं यहाँ के और विकास और रोजगार चाहिए यहाँ क्योंकि रोजगार का बहुत कमी है यहाँ पे और विकास होना चाहिए। जो अच्छा स्थानीय बासिंदा युवक गोटे प्रसंग रही है रोजगार शिक्षा विकास। चाचा आप इस बार तीन तारीख को वोट होने मतदान है आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे वोट देने के लिए? हम लोगों के यहाँ विकास हुआ है नीतीश कुमार जी विकास किए हैं मोदी जी विकास किए हैं उन्हीं के विकास के विश्वास पर हम लोग अपना वोट डालने जाएंगे बूथ पर। मोदी जी और नीतीश जी हैं बहुत अच्छा है शांति है और यहाँ विकास भी हुआ है और विकास होगा भी। विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से काम हुए हैं और आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे आप वोट देने के लिए जाएंगे? हमारे सामने काम देख रहे हैं सड़क बनी है बिजली बना है पानी की व्यवस्था है विकास हुआ है और हम अपना वोट कमल के फूल छाप पर जनक भाई जी को देंगे। इस बार आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे वोट देने के लिए? मुद्दे क्या रहेंगे आपके पास? शिक्षा और हम वोट दे देता है सर जॉन वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर देता है लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पूर्व विधायक जनक सिंह के हमने का वोट नहीं देगा हमने का मोदी जी के चाहे नीतीश कुमार के कार्य से संतुष्ट हो के हमने का वोट देवे जाते हैं सर लेकिन जनक सिंह विधायक के कार्य से हमने संतुष्ट नहीं कि सब पूर्व विधायक से बुझे नहीं आ शिक्षा जे वास्ते ये सब चाहिए जनता का क्या चाहिए जौन विकास भइल बा नीतीश कुमार के रीजिंग में भइल बा रोड रास्ता बिजली चाहे नरेंद्र मोदी के रीजिंग में भइल बा ऐसे हमने का मत देवे जाते हैं सर लेकिन जनक सिंह के नहीं किसी। अच्छा तो आपके सामने युवा हैं अभी वोट देने के लिए इस बार जाएंगे क्या रहेंगे मुद्दे आपके पास इस बार वोट देने के लिए? हम लोग के रास्ता चाहिए कंपनी इधर में चाहिए कंपनी नहीं है हम लोग दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए बिहार में क्या सुविधा है कुछ भी सुविधा नहीं है। जो बड़े भाव में जो युवक अच्छा जो अन्य लोग अच्छा किसी वोटर मानकर आम प्रत्येक ना चाचा इस बार आप वोट देने के लिए जाएंगे तीन तारीख को मुद्दे क्या रहेंगे आपके सामने क्या सामने आपके मुद्दे दिख रहे हैं जिस मुद्दे के आधार पर आप वोट देने के लिए जाएंगे? हमारा मुद्दा सर विकास है मोदी जी के रीजन में हम लोग का विकास हुआ है और नीतीश कुमार के रीजन में विकास हुआ है लेकिन हम पर्सनली एक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं एडल्ट एजुकेशन में अनौपचारिक शिक्षा एक संस्था है जो नीतीश कुमार ने थोड़ा गलती किए हैं वो सुधार लाएं अपने में आधा अनुदेशक को बहाल कर दिए और आधा अनुदेशक को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा रहे हैं ऐसे उनको नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ हम लोग के साथ यही प्रश्न है कि जाएं तो जाएं कहाँ इधर खाई है इधर कुआं है। नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश के बारे में सोचता है हर जाति के बारे में सोचता है नौजवान का बारे में सोचता है महिलाओं का बारे में सोचता है और बूढ़े के बारे में भी सोचता है इसलिए हम लोग वोट देंगे कमल के छाप पर लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अब की बार मोदी जी का कृपा से अपने कृपा से नहीं और न्याय भी करें। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं बिहार सरकार न्याय के साथ बिहार सरकार चला रहे हैं लेकिन नहीं आधा लोगों को आपने बहाल कर दिया और आधा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं जो 10-10 वर्ष काम किया है ये नीतीश कुमार का ध्यान है लेकिन वोट देंगे हम लोग कमल पर मर जाएंगे लेकिन कमल पर वोट देंगे वोट देंगे। विकास मुद्दा है रोजगार है शिक्षा है आपके सामने और भैया आपके क्या मुद्दे हैं?
मेरा नाम तो अमर कुमार हुआ। हम ये क्या बोलते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, उनके विकास पर, उनके अति पर, इससे ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तो जेबड़ी भाव एठाकर जो भोटर अच्छा जो एठाकर स्थानीय बासिंदा अच्छा तरैयार जो प्रसंग को लेकिन बर्तमान आम सहित आलोचना करते विकास शिक्षा जहाँ तक विकसित होती विकास होती विकास को आधार करके बर्तमान भोट देवाई जीवे जेहेतु तीन तारीख दिन द्वितीय पर्याय निर्वाचन होगा जाऊँच द्वितीय पर्याय मतदान हम यह प्रसंग को लेकिन बर्तमान से मतदान देवाई जी और सामने विकास ही सब बड़ मूल प्रसंग रहा। तरैयारू कैमेरा पर्सन पूर्ण मंडल इमरान खान अर्गस न्यूज।